ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है सामने और उसके बाजू में जो पहाड़ है, ये जबले अबू कुबैस है, जहाँ प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा, जो कहते हैं कि हदीसों के अंदर हमने बारह सुना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ पर चांद के दो टुकड़े कर दिए, ये वही जगह है जबले अबू कुबैस, जहाँ मरवा से बाहर आते हैं। सीधे यहाँ से मरवा से बाहर आने के बाद ये सामने नज़र पड़ती है, ये है जबले अबू कुबैस। और इसके बाद जो सबसे बड़ी ज़ियारत है, जो आपको सामने नज़र आ रहा है वो घर, वो प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का घर है, जहाँ आपकी विलादत हुई और आप यहाँ पैदा हुए। यही वो गली है जहाँ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रहा करते थे, और आपका बचपना, आपकी जवानी इसी घर के अंदर। अभी तो ये मकतब बना दिया गया है, मकतब मक्कतुल मुकर्रमा के नाम से, लेकिन यहाँ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर था। और उसके सामने हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर, जो आपको मैं थोड़ी देर नज़दीक से देखते हैं इस घर को। अब तो जाने तो नहीं देते अंदर, गवर्नमेंट का है अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो 12 रबीउल अव्वल है, और एक वो 12 रबीउल अव्वल था जिस दिन मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। आप सभी एक मरतबा प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। यहाँ तो प्यारे आका का घर था, अब ये देखे सामने जो दरख्त नज़र आ रहा है, जिसको काट दिए हैं, वह है माँ खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर। अभी आपको उसकी नज़दीक से ज़्यारत करा देता हूँ इंशाल्लाह। यही घर था माँ खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा का। अब तो इन्होंने दीवार बना दी है, जाने नहीं देते, देखते बिस्मिल्लाह। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بارك وسلم ما شاء الله। इसी जगह पर हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा का घर था, और यहाँ खदीजा रहा करती थी। और सामने जो है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, तो मकतबे मक्कतुल मुकर्रमा नज़र आए सामने। ये पहाड़ी जहाँ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद के दो टुकड़े किए थे। मेरे दोस्तों आते तो सब हैं माशाल्लाह, लेकिन अक्सर हमें वक्त कम रहने की वजह से ज़्यारतें कम हो जाती हैं। तो मैं तो कहता हूँ तो एक मरतबा ज़रूर इधर आ जाए, और सफ़ा मरवा की पहाड़ी के बाहर से यहाँ एक मरतबा ज़रूर तशरीफ़ लाए, दिल को बहुत सुकून मिलता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की।